आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने का मकसद, कांग्रेस छोड़ने का मकसद। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में, मैं हूं खुर्शीद आलम। कांग्रेस के एक सीनियर सिपाही, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर जो 20 साल तक अपनी सेवा कांग्रेस पार्टी में देते रहे, यहां तक कि 2018 में कैंडिडेट की रेस में उनका नाम भी चलता रहा, लेकिन आज अचानक एक जोर का झटका धीरे से उन्होंने दिया। आज अचानक वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने का ऐलान किया। मेरी मुराद है जनाब पीर वालिकर साहब, जो कनाडा अध्यक्ष भी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि ये अचानक 20 साल की सेवा छोड़कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने का उनका क्या मकसद है, और उन्होंने अभी भी एक प्रेस मीट में ये भी कहा कि वो आम आदमी पार्टी के बीजापुर शहर मत क्षेत्र के आकांक्षी उम्मीदवार भी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने का मकसद, कांग्रेस छोड़ने का मकसद? आम आदमी पार्टी के जो इलेक्शन का जो एजेंडा है, उस देखने के बाद हर आदमी चाहता है कि आम आदमी पार्टी आज के हालत में बहुत अच्छी पार्टी है। हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में फ्री सर्विस देने वाला एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में, वो आम आदमी पार्टी। दिल्ली जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने जो काम किया है, वहाँ पर ना कांग्रेस बचा ना बीजेपी बची। वजह ये है, अरविंद केजरीवाल ने जो सीधे और सादा आदमी रहकर जो नामी है आम, उसी तरह उन्होंने बसाया। बात तो समझ में आई कि आप अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों को देखकर, उनकी सेवाओं को देखकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने का अचानक 20 क्या कौन कारण, क्या कारण हो सकता है? या कांग्रेस में जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था, वो क्या वजह हो सकती है? नहीं, हम मान सम्मान हमको हर जगह में मिला है, पार्टी से मिला न मिला पार्टी वाले सोचते हैं जी। अभी मान सम्मान के वास्तव मैंने काम भी नहीं किया, और उसका उम्मीद भी मैंने कभी भी नहीं किया। सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जो काम किए हैं, जो 20 साल से पार्टी में रहे हैं, जुड़े हैं, उनको छोड़कर नए नए लोगों को पार्टी में लगाने से, जो सीनियर्स जो हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो हालत के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों को दूर रखना चाहती है पार्टी जी। मैं ये समझता हूँ पार्टी में जो जानता है, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उन लोगों को दूर रख रहे हैं। वजह यह है कि अगर चुन को आया तो आगे ये मंत्री मांगता है, ये कुछ उनके एजेंडे हैं। तो आपको साइड लाइन करने की कोशिश की? नहीं, वो साइड लाइन किए हैं, सारी बीजापुर जिले के लोगों को पता है कि हाशिम पीर वालिकर को पार्टी कितना अच्छी तरह देख ली, क्या बुरा तरह देख ली, ये मालूम है। मैं तो बहुत बार, दो तीन लीडरों ने मुझको निगम का चेयरमैन बनाने के लिए बुलाया था, मैंने सीधा साधा बोल दिया उनको, मैं निगम भी नहीं करूँगा ना चेयरमैन करूँगा। मुझको एक बार बीजापुर को, एक बार बीजापुर को टिकट दो, क्योंकि हम राबे हैं, काम किए हैं, मेहनत लगाए हैं, पसीना डाले हैं हमने पार्टी के लिए। अब तो मुसलमानों को
जिले के लीडरों में और राज्य के लीडरों ने अच्छे मुसलमान का ज़रूरत नहीं समझ रहे। तो अभी आपने कहा कि आप जो है एक बार बीजापुर मत क्षेत्र नगर से टिकट मांगे थे और आपको टिकट नहीं मिला। अक्सर चुनाव जब आता है सर, चुनाव जब आता है तो नेता दल बदलते हैं, तो आज भी आप दल बदले हैं टिकट के लिए? हमने किसी पार्टी को धोखा कर हमने नहीं है, खुद पार्टी ने हमको धोखा किया। मैं रात आके कांग्रेस का टिकट नहीं मांगा था, रात आके मैंने दूसरे पार्टी का भी नहीं मांगा। अभी जो पार्टी में हूँ, यहाँ पर बसनगढ़ों को गिराना है, हराना है। वजह यह है ना, हिंदू चाहते हैं उसे, ना मुसलमान चाहते हैं, ना SC ST चाहते हैं। वजह यह, हर दिन एक आदमी को गाला देता है, और जो हमारे कांग्रेस में लीडर हैं उसको काउंटर में बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री ने नहीं जानते। क्यों नहीं जानते है? तो उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। हम दिन ब दिन ताकत नहीं बना सक रहे, कन्नड़ में बोलते हैं उसे असहाय करो कर, हिम्मत नहीं है हमारे पास। अगर हिम्मत भी है तो बात करने का, इतिहास बोलने का, रखने वाला आदमी का ज़रूरत है। आज बहुत सारे बात बसुनगोडा पाटिल यत्नाल ने बोला है, लेकिन हम सब देख रहे हैं पार्टी अकेले को लीडर बनाता है और पार्टी उनके साथ रिश्ते भी रखते हैं। ऐसे वक्त में हमारे लोग जान रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो पार्टी में आने का मकसद और टिकट लेने का मकसद सिर्फ ये एक ही है आपका, कि बसनगोड़ा पाटिल यत्नाल को हराना, आप कह रहे हैं? बसनगोड़ा पाटिल यत्नाल को मेरे से भी बेहतरीन, अगर आम आदमी पार्टी में टिकट भी दिए तो हम उनका काम करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट और गोल एक है कि बसनगोड़ा पाटिल यत्नाल गिराना चाहिए। तो अभी भी आप जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं, बस एक हफ्ता 2-3 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी में उन लीडरों का क्या होगा जो यहाँ पर मेहनत किए हैं और आम आदमी पार्टी से संगठना कर रहे हैं और टिकट के आकांक्षी भी थे, लेकिन आप अचानक पैराशूट से उतर कर टिकट मांग रहे हैं? हम पैराशूट से भी नहीं उतरे, और हम मुझको ही टिकट देने के लिए भी हमारा मांग नहीं है जी। हमें पार्टी का एजेंडा अच्छा है, जो चुनाव प्रणाली के है, आम आदमी का है, गरीब का है, बेरोजगार का है, इसलिए हम इसको इसके साथ हैं। सर, आम आदमी पार्टी पिछले महानगर का चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी, तो क्या गारंटी है कि वो इस मर्तबा विधानसभा से नगर मत क्षेत्र से हो या कहीं भी से हो बीजापुर ज़िले में MLA का जीत सकेगी? जब सिद्धरामैया जी कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री थे, तब बीजापुर में 7 MLA कांग्रेस के थे, 1 MLA BJP का था। यहाँ पर MP 2 लाख लीड से BJP का MP आ गया। ऐसा हर इलेक्शन में हर हिसाब अलग अलग तरीके से हो सकता। हम उस टाइम में ये पार्टी में नहीं थे, तो मैं ये पूछता हूँ, 5 लोग पक्षेतर कैसा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैसा चुन के आए? 7 लोग पक्षेतर के लोग सेकंड आ गए हैं। कांग्रेस से 35 सीट अलॉटमेंट किए हैं, सिर्फ 10 क्यों आए? आ सकते थे बहुत सारे सीट, सिर्फ 10 क्यों आए? इसका मतलब यह है कांग्रेस को लोग नहीं चाह रहे हैं। वजह यह है कांग्रेस चलाने वाले हैं, कांग्रेस चलाने वाले ठीक ढंग से कांग्रेस नहीं चला रहे, ये इसका बहुत सारा राज है। मैं खुला करना नहीं चाहता, अभी वक्त है, अभी उस टाइम में बहुत सारे बात मैं बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। मेरा कहना ये है, जो लोगों को चुनाव में ठहर कर जीतने का हिम्मत नहीं है, तो तुम पैसे दो, पार्टी पैसे दो, कुछ ना कुछ करो, निगम बनो, चेयरमैन बनो। लेकिन 5 साल बीजापुर का हालत ऐसा हुआ कि हमारा रूम नहीं रहने के वजह से
दिन हर गली में हम शर्म हो फिरना पड़ा, हिम्मत से चल नहीं सके, हमें हर दिन इंसल्ट हो रहा है हमें। इसके वजह से वो जो लोग हमारे पर हमला कर रहे हैं बातों से, कौन को ना है अभी। सर अभी आपने कहा कि हमारा नुमाइंदगी नहीं है, हाँ। 5 साल में बहुत तकलीफ हुई है आपको, हाँ। लेकिन अगर माइनॉरिटी से अगर जेडीएस में भी जेडीएस पार्टी से भी माइनॉरिटी से कॉलम को टिकट मिलता है, कांग्रेस को भी माइनॉरिटी से टिकट देती है, तो ऐसी सूरत में क्या नुमाइंदगी कायम रहेगी? डिवाइड वोट डिवाइड होकर फिर जो है तीसरी पार्टी को फ़ायदा होगा। साहब 2018 हम सब मिलकर सारी बीजापुर के कांग्रेस के सेकुलर के गरीबा दलित कुर्बा मुसलमान एक तरफ होकर हमने चुनाव किया है जी। उस टाइम में 2-3 कैंडिडेट नहीं थे मुसलमान के जी। फिर हमारा रोमांचक कैसा नहीं बचा जी। वजह यह है पार्टी सोचना चाहिए किसको टिकट देना, लोग किसको चाहते हैं, कैसे लोगों को चाहते हैं, क्या पड़ेसल को चाहते हैं, वकील को चाहते हैं, क्या डॉक्टर को चाहते हैं, क्या अच्छा इल्म करेसल को चाहते हैं, देखना चाहिए। लोग स्वीकार करना चाहिए कैंडिडेट को, लोग नहीं स्वीकार किए, इसलिए वो 2 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट है, सवाल नहीं आता। हाँ ठीक है, बीजापुर के कॉरपोरेशन में 4-4, 5-5, 8-8 लोग ठहरे, तुम क्या किए? बैठना था एक तरफ, बात करना था उन लोगों के साथ, सब अपने भाई थे, जमात था हमारा, बड़े लोग थे, उनके साथ बात करना था। ठीक है भाई, सब लोग मिला के लॉटरी में उठाओ, चिट्ठी में उठाओ एक नाम, नहीं तो जमास्ती कौन बड़ा है, कोद बहुत दिन राबे है, मेहनत किए है, वैसे लोगों को टिकट दे सकते थे तुम, क्या हो गया? जी 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 सर, एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि आप जब चुनाव में आ रहे हैं, आप टिकट के आकांक्षी हैं, अगर आपको टिकट मिलता है आम आदमी पार्टी से, तो किन मुद्दों पर आप जनता के सामने जाएंगे? देखो, हम जितने भी बीजेपी के अगेंस्ट जो होते हैं वो पूरे लोग परेशान में हैं, गरीब हैं, वो लोगों का हिम्मत बढ़ाने के लिए हम काम करना है। आज बसुनगोड़ा पाटिल इतना MLA बने हैं, कौन सा गरीब एक आदमी को नहीं मिल रहा उसको, वो MLA ना मिलना चाहता है, अगर गरीब भी उसके घर पर गए तो नहीं मिलता। और उन्होंने ऐलान किया है मुसलमान लोग हम मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको सवाल करेंगे, हम बहुत चैलेंज से लेंगे, इस बार किसी हालत में उसको गिराना है, इसलिए हम हर जात के वोट लेने का हिम्मत रख के, एक अच्छा संबंध है, आप बेरोरा बीजापुर को मालूम है कि हर गली में हर वार्ड में हर जगह में एक ही आदमी फिर सकता है, वो आसिम पीर वाली कार। तुम सिद्धेश्वर गुड़ी के जाओ, महालक्ष्मी गुड़ी के जाओ, आदर्श नगर जाओ, आश्रम को जाओ, वहाँ पर लोग चाहते हैं हमें, इसलिए हमारा इरादा है इलेक्शन कर हमने किसी हालत में बसुनगोड़ा पाटिल यत्नाल को गिराना है, यही एक मेरा मुद्दा है। बस मैं हाशिम पीर वालिकार, विजयपुरा। थैंक यू सर। तो ये थे आम आदमी पार्टी के जो आकांक्षी उम्मीदवार बीजापुर सिटी मत क्षेत्र से, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि मैं जो है ग्राउंड लेवल पर काम करूंगा और आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर हमें मुझे मेरे साथ कई लोग हैं, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं बल्कि तमाम तबके के लोग मेरे साथ हैं और मेरी जीत यकीनी है, उनका ये दावा है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज नेशन बीजापुर। इलेक्ट्रिसिटी माफिया अद तैयार माडितु, वाटर नीरदल माफिया अद तैयार माडितु, ई माफिया अंत इदियल्ल एल्लरू ताई टेंडरनल माफिया गुत्तिगे सुमार जन नेण हाकंड सत्तोद्रु दुड्ड इट्कोंडिरो मिशन इट्कोंडिरो अंत केळसकंत ओब्ब मंत्रि इद्रु अवर मेले क्रम इल्ल वा मारा नागराज 8 कोटि सिक्किद्रु अवर मेले क्रम इल्ल ಅದು ಚೆಕ್ನಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕರಪ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದಲ್ಲ
ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಿಬಿಐ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಸೋಡಿಯಾನವನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಹುಡುಕಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೀವಾಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ? ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಗನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಸಿಬಿಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಾಜ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಡಿ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅದ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ರೈಡು, ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರೈಡು, ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊಯ್ಡು. ಈಗ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಕಳ್ಳರು, ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳರಂತೆ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಬೇಕು? ಅವರೇ ಮೋದಿ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಯ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಬೇಕು? ಜೈಲು ಹೋದ್ರ ಜೈಲು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಬೇಕು? ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಮ್ಮ. ಅಪರಾಧವೇ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ನಿಮ್ಮವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಟಿಪ್ಪುನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಕೊಂದಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಯಾರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಟಿ ರವಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಶ್ವಂತ ನಾರಾಯಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೋಲೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ? ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಎತ್ತಿ ಮತಬಯಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ವಿಚಾರ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ರಹಿತವಾದ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಊರುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಸ್ಬರ್ಗೆ, ಕಸ್ಬರ್ಗೆ, ಆ ಕಸ್ಬರ್ಗೆನ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇವರು ಐನಾಪುರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನೀವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಈ ದೇವರಾಣೆ ಈ ಸತಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸರ್. ಯಾರಿಬ್ರು?